हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टडी मटेरियल बाय डीएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप इंडियन एयरफोर्स XY 2020 के एग्ज़ाम से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं तो उसका एडमिट कार्ड कब जारी होने वाला है, उसका एग्ज़ाम शेड्यूल क्या रहने वाला है। और इसी के साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम आपका दोबारा से एक्सटेंड होने वाला है या फिर नहीं। जैसा कि आपको पता है कि जून के लास्ट वीक में आपकी अपडेट आने वाली थी, तो क्या अपडेट आई है और आप लोगों के लिए क्या क्या खुशखबरी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है इससे पहले कि अगर पहली बार आपने चैनल पर विजिट ऑन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि हर एक अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अपने मुद्दे की अगर बात करें, आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। सबसे पहले अगर बात करें आपके एडमिट कार्ड के बारे में और एग्ज़ाम के शेड्यूल के बारे में, तो जैसा कि आपको पता है कि आपको बताया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर कि जून के लास्ट वीक में आप लोगों की जो एग्ज़ाम की जो डेट है वो जारी कर दी जाएंगी। तो आप लोग अब सोच रहे हैं कि वैसे तो आज आपकी 23 तारीख हो गई है, तो कब आपका जो नया शेड्यूल है एग्ज़ाम का वो जारी हो सकता है। तो देखिए, मैं पर्सनली आपको बता दूं कि अगर COVID-19 की बात करें तो इंडिया के अंदर लगातार ये जो है मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और करीब 4.5 लाख के ऊपर निकल चुकी है। और 4-5 जो राज्य हैं उनमें काफ़ी तेज़ी से अभी आपके जो है मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है। तो COVID-19 की वजह से ही आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया था, उसे आगे बढ़ाया गया था। तो अगर फिलहाल की कंडीशन देखें तो मेरे हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम है वो जून के लास्ट वीक में जो आपकी डेटें आने वाली थी, तो मेरे हिसाब से उसके 20% चांस बनते हैं कि आपका कोई भी नया शेड्यूल जारी किया जाए, वरना मेरे हिसाब से आपके 80% चांस फिर से बनते हैं कि 80% चांस यही है आपका कि फिर से आपका जो एग्ज़ाम है उसका जो डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी उसकी जो डेटें हैं वो आगे बढ़ा दी जाएंगी। फिलहाल अगर आप बात करें 20% के बारे में, मे बी अगर आपकी कोई डेट जो है जून के लास्ट वीक में आ जाती है तो आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या रहेगा, किस तरह से आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम जो है जून में अगर आपकी डेटें आ जाती हैं तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके डेटें हैं या फिर आपका एग्ज़ाम जब होता है उसके कम से कम 8 दिन पहले आ जाता है। मतलब कि अगर मान के चलिए कि जून के लास्ट वीक में आपकी डेट आ जाती है तो जून की तो जुलाई के आपके फर्स्ट वीक में आपका एडमिट कार्ड आप लोगों को मिलेगा, और तब जाकर कहीं ये हम सोच सकते हैं कि जुलाई के सेकेंड वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन इतने आसानी से हर बार की तरह एग्ज़ाम इतने आसानी से वहाँ पर आपका नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा कि जिस सेंटर पर आपका एग्ज़ाम होगा उस पर आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन करा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 14 दिन तक आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, उसके बाद आपकी एक बार फिर से चेकिंग होगी आपके कोरोना की। अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो अगर आप लोग तैयार हैं 14 दिन तक वहाँ रहने के लिए, मतलब अगर आपका एग्ज़ाम जो है अगर जुलाई के सेकंड वीक में कंडक्ट कराया जाता है तो लगभग आपको 1 या 2 जुलाई को ही अपने घर से जाना पड़ेगा और वहाँ 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इंडिया में 80% पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को ऐसे में एग्ज़ाम देने नहीं भेजेंगे और कह देंगे कि इस बार रहने दो, आप नेक्स्ट वैकेंसी में अप्लाई कर लेना। तो मैं 20% में उन लोगों की बात नहीं करूंगा जो हो सकता है अपने बच्चों को भेज दें, लेकिन 80% पेरेंट्स ऐसे ही हैं जिन्हें चिंता है और वो लोग अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। तो ऐसे में आपके 2-3 प्रॉब्लम फंसती हैं। सबसे पहले तो ये जो बहुत कॉस्टली पड़ेगा एयरफोर्स के लिए कि सभी को क्वारंटीन में रखना, सभी को 14 दिन तक खाने पीने की व्यवस्था करना, लगभग आपके इस बार 4.5 लाख कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उन सब की खाने पीने की व्यवस्था करना, उनके क्वारंटीन रखना और वो बीमार ना हो इसके लिए उनका खास ख्याल रखना, ये इंडियन एयरफोर्स के ऊपर काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। फिलहाल आपको पता है कि इंडिया की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे हिसाब से मेरा खुद का मानना है कि जून की जो लास्ट वीक में आपकी अपडेट आने वाली है उसमें बस आपको यही देखने को मिलेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है उसे और आगे बढ़ा दिया जाएगा, यानी उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाएंगी। मैंने दोनों पक्ष अपने बता दिए कि अगर एग्ज़ाम होता है तो इस तरह से एयरफोर्स के ऊपर कॉस्टली पड़ेगा और क्या क्या कंडीशन रहेंगी, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे नहीं,
और आपको क्वारंटीन में रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स को बहुत खर्चा करना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम वहाँ पर कंडक्ट हो पाएगा, ठीक है। और कोविड-19 की जो मरीज़ हैं लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना बेहद मुश्किल है। अब बात आती है कि सर जुलाई में जिन लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है उनका क्या होने वाला है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि जिनकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो ज्वाइनिंग से पहले उनका कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा, उसके बाद फिर से एक बार उनका टेस्ट करने के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। अगर इसी बीच कोई भी कैंडिडेट जो है कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है, किसी की भी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आती है, तो उसे तब तक ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाएगा तब तक की जो उसकी रिपोर्ट है नॉर्मल नहीं आ जाती, यानी कि उसके ऊपर से जो कोविड-19 का प्रभाव है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक उसे क्वारंटीन में ही रखा जाएगा, उसे ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग बाद में कराई जाएगी, तो ऐसा आप लोग बिल्कुल सोचिए मत। जिनकी भी ट्रेनिंग होनी है, जिनकी भी ज्वाइनिंग है, उनकी जुलाई में ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग भी होगी, लेकिन बस थोड़ा सा चेंजमेंट ये है कि आपके टेस्ट होने के बाद आपको 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा, उसके बाद ही आपकी ट्रेनिंग वहाँ पर कराई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हर एक पक्ष आपको समझ में आया होगा, मेरी हर एक बात आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है तो यार कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 7651815535, तो उस पर भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से उनके सारे जवाब आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो यार इसी खुशी के चलते प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे नहीं तब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आप लोगों तक लाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आइए चैनल पर जुड़ जाइए, हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हर एक खबर, हर एक अपडेट, हर एक डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग निराश नहीं करेंगे। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।